रामगढ़ताल पुलिस ने विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसबी टीम के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनता में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में एसएसबी के जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और नागरिकों से अपील भी किया जा रहा है कि बिना डर भय के विधानसभा चुनाव में घरों से बाहर निकलकर मतदान करें, जिसके लिए सीओ की ड्यूटी लगाई गई है कि वह अपने थाना क्षेत्रों के अलग अलग दिन एसएसबी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च करते रहें। उन्होंने कहा कि गुरुवार का फ्लैग मार्च रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में किया गया तथा यह फ्लैग मार्च संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे कि जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे और लोग बिना डर भय के घरों से निकलकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि जनपद में 3 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इस अवसर पर आजाद चौक के चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित एसएसबी के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, जो विधानसभा चुनाव है उसके दृष्टिगत सुरक्षा की भावना जगाने के लिए और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाने के लिए हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसमें लोगों से बातचीत भी की जाती है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि भारी संख्या में बाहर आएं और अपने मतबल का प्रयोग करें, लोकतंत्र की जो शक्ति है उसका प्रयोग करें। इसी क्रम में अलग अलग CEOs जो हैं उनके लिए प्रतिदिन टारगेट रखा गया है कि वो फ्लैग मार्च करते हैं अपने थाना क्षेत्रों में। रामगढ़ताल में किया गया था? हाँ, आज रामगढ़ताल में किया गया था, तो खास करके उन जगहों पर भी हम कर रहे हैं जहाँ आपराधिक गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ रही हैं, उन जगहों पर किया जा रहा है ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना रहे और लोगों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है इसमें। और आगामी विधानसभा में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। लोगों से सुझाव कई तरीकों से मांगे जा रहे हैं, पुलिस चौपाल के द्वारा मांगे जा रहे हैं, फ्लैग मार्च के जरिए मांगे जा रहे हैं और प्रतिदिन जब हम जो भी CEOs हैं जितने भी GOs हैं वो जब जनता से जहाँ भी मिलते हैं वहाँ से भी सुझाव मांगते हैं लोग से।